गुड इवनिंग क्लास दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में स्टार्ट हम लोग किए हैं समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान में हम लोग स्टार्ट किए हैं महासागरीय जलधाराएं, जिसमें से पिछले क्लास में आप लोग बता दिए थे कि जलधारा क्या है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो दूसरे ज़रूरतमंद स्टूडेंट हैं उन तक पहुँचाएँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा जो चैनल है इसके प्लेलिस्ट में अब जाएं। प्लेलिस्ट में हमारे साथ अभी फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें से आप उसमें डिटेल से बताया जा रहा है वर्ल्ड मैपिंग में। वर्ल्ड मैपिंग की बात करें तो हम लोग एशिया स्टार्ट किए हैं वर्ल्ड मैपिंग में, तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाएँ, एशिया कंटिनेंट स्टार्ट किए हैं उसमें। एशिया का लगभग साउथ का कंट्रीज़ हो चुके हैं, उसके बाद साउथ ईस्ट भी हो गए हैं और ईस्ट कंट्रीज चल रहे हैं, जिसमें से ईस्ट कंट्री में चाइना, ताइवान, जापान, कोरिया कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अपने लिस्ट में जाएं और वहाँ पे सीक्वेंस में देखें वर्ल्ड मैपिंग क्लास और फिजिकल ज्योग्राफी का। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, स्टार्ट कर रहे हैं समुद्र विज्ञान, जिसमें से हम लोग देख लिए थे कि महासागरीय जलधारा किसे कहते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूँ कि जलधारा किसे कहते हैं। जलधारा जल का विशाल राशि का एक कोने से दूसरे कोने तक एक निश्चित दिशा में प्रवाह हो। ठीक है, महासागरीय जलधारा किसे कहेंगे। जल का वह विशाल राशि जिसे एक कोने से दूसरे कोने तक एक निश्चित दिशा में प्रवाह, जैसे मान लीजिए ए बिंदु ए है, यहाँ पे बी है। ठीक है, एक विशाल राशि जो एक निश्चित दिशा में एक कोने से दूसरे कोने तक जाता हो वो कहलाता है महासागरीय जलधारा। ठीक है, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग एक पिक्चर बनाते हैं, इस फोटो को आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें देख रहे होंगे ये जो ब्लू कलर का है ये महासागरीय जल है, ये सारे जल है, पानी है। ठीक है, और आपको जो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है ये पवन का दिशा है, ब्लैक कलर आपको दिख रहा है पवन की दिशा है, और ये ऊपर सरफेस है, ये जल है पानी का। ठीक है, ये नीचे बिल्कुल बॉटम है, नीतल है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से जल ऊपर जा रही है, तो जल का ऊपर जाना है इसे कहेंगे हम इसे हम लोग कहेंगे अपवेलिंग
जैसे हम लोग कहेंगे अप वैली, जल का ऊपर क्या हो जाना, अप वैली। ये पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है। अब ये जल नीचे आ रही है, जल का नीचे आना ये कहलाएगा डाउन वेलिंग। इसे क्या कहेंगे, डाउन वेलिंग। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। पवन की दिशा इस तरफ है, तो पवन की दिशा के साथ साथ जल जल का जो सतह है, जो जल का सतह है उसका भी जो होगा दिशा पवन की दिशा में, डायरेक्शन इधर होगा। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जो जा रहा है जल, वो कैसा है, क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर है। कैसा है, क्षैतिज है। क्षैतिज कहने मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है। एक होता है वर्टिकल, वर्टिकल मतलब कहने का मतलब ए वर्टिकल है, खड़ी है। तो ए हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब क्या होता है, ए पवन का जो प्रवाह के साथ जल का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, महासागरीय प्रवाह। इसे हम लोग कहेंगे महासागरीय प्रवाह। जैसे कहते हैं प्रवाह को कहते हैं ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इंग्लिश में, ड्रिफ्ट कहते हैं प्रवाह को। ठीक है, बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, महासागरीय जलधारा का प्रवाह, महासागरीय जलधारा का प्रवाह। तो जलधारा का प्रवाह, जलधारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह और प्रवाह दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, बात करते हैं जलधारा का प्रवाह और ओनली प्रवाह, महासागरीय प्रवाह, महासागरीय प्रवाह। तो दोनों में अंतर क्या है, देखिए अगर बात करें महासागरीय प्रवाह, तो महासागरीय प्रवाह में क्या होता है, केवल सतह का जो जल है, ए पर जो ऊपरी सतह दिख रहा है, सरफेस दिख रहा है, तो ऊपरी सतह का जल केवल प्रवाह होता है। इसमें महासागरीय में क्या होता है, आप यहां ध्यान से देखेंगे, महासागरीय प्रवाह में क्या होता है, केवल सतह का जल, सतह के जल का प्रवाह, जल का प्रवाह। ठीक है, सतह के जल का प्रवाह। अब जलधारा जो होता है, जलधारा हम कहेंगे इसके साथ साथ, यहां देखिए, इसके साथ साथ ऊपरी सतह से लेकर निचली सतह तक, ठीक है, नितल तक, ऊपरी सतह से लेकर नितल तक जल का प्रवाह। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि महासागरीय प्रवाह किसे कहेंगे, ड्रिफ्ट किसे कहेंगे, और महासागरीय जलधारा किसे कहेंगे। ठीक है, ओशन करंट किसे कहेंगे। ओशन करंट में क्या होता है, करंट में होगा कि ऊपरी सतह के साथ साथ नितल का जल, जो बॉटम का सरफेस का जो जल है, सरफेस से बॉटम तक का जो जल है, साथ में फ्लो करेंगे एक दिशा में, एक कोने से दूसरे कोना साथ साथ में फ्लो करेंगे। ठीक है, और बात रहा केवल महासागरीय प्रवाह, केवल सतह का, ऊपरी जो सतह का जो है, हवा की लहर से पवन की दिशा के अनुसार चलता है, वो हमारा कहलाता है महासागरीय प्रवाह। ठीक है, अब इस सारी घटना से यहाँ पे जन्म होता है परिसंचरण, जिसे हम लोग कहते हैं महासागरीय परिसंचरण, महासागरीय परिसंचरण का जन्म होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक देखते हैं बेलांचली जलधारा क्या होता है, हम लोग देखते हैं। देखिए, सपोज दैट यह एक तट है, ठीक है, ये भूखंड है, और
इधर से आ रही जलधारा, जलधारा यह एक भूखंड है। अरे जलधारा आ रही है, जलधारा भूखंड के तटवर्ती क्षेत्र से टकराएगी, तटवर्ती क्षेत्र, ठीक है। जलधारा तटवर्ती क्षेत्र से टकराने के बाद तटवर्ती क्षेत्र के समांतर, तटवर्ती क्षेत्र के समांतर प्रवाह होती है। जलधारा का तटवर्ती क्षेत्र से टकराने के बाद तटवर्ती क्षेत्रों के समांतर का जल का प्रवाह होना, वो कहलाता है बेलांचली, बेलांचली, बेलांचली जलधारा, ठीक है। बेलांचली जलधारा किसे कहेंगे? जब जलधारा किसी भूखंड के तटवर्ती क्षेत्र से टकराती है और उस तटवर्ती क्षेत्र के समांतर वह धारा प्रवाह होती है, धारा प्रवाह होती है, वो कहलाती है बेलांचली जलधारा, ठीक है। समझ में कोई दिक्कत नहीं? हम लोग देख लिए कि जलधारा क्या होता है। जलधारा जल का वह विशाल राशि, वह जल का वह विशाल राशि जो एक कोने से दूसरे कोने तक, एक कोने से दूसरे कोने तक एक निश्चित दिशा में प्रवाह होती है, वो कहलाता है जलधारा। जलधारा जो होती है, इसकी प्रवृत्ति जो होती है, जलधारा इसकी जो प्रकृति होती है, इसकी प्रकृति की बात करें, प्रकृति तो इसकी प्रकृति दो टाइप की होती है, ठीक है। कौन कौन होती है? एक ठंडा और एक होता है गर्म, गर्म और ठंडा। जो ठंडा होता है उसे कहते हैं ठंडी जलधारा, और जो गर्म होता है उसे कहते हैं गर्म जलधारा, ठीक है। जलधारा की जो प्रवृत्ति होती है, इसकी प्रकृति होती है, कैसी होती है? दो टाइप की होती है, एक ठंडा होती है एक गर्म होती है। अब जो ठंड होती है उसे ठंडी जलधारा कहते हैं, जो गर्म होती है उसे गर्म जलधारा कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ठंडी और गर्म जलधारा कैसी होती है। ये जो ठंडा और गर्म की प्रवृत्ति जो होती है जलधारा की, वो कैसे होती है, तो हम लोग देखते हैं आगे। तो इसके प्रवृत्ति के पीछे एक कारण है, यहाँ देखिए, ये रहा आपका पृथ्वी, ये आपका पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे आपका ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, जिसे कहते हैं हम लोग इक्वेटर, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा क्या है इसको कहते हैं इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर हो गया। ये आपका नॉर्थ पोल और आपका ये साउथ पोल, ठीक है। समझ में कोई दिक्कत नहीं? ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया। अब देखिए, ये यहाँ पे आपका सन है, ये सन है, सनलाइट जो है विषुवत रेखा पे सीधी पड़ती है, विषुवत रेखा पे सनलाइट सीधी पड़ती है, ठीक है। और ध्रुवों पे कैसे पड़ती है? तिरछा पड़ती है, ध्रुवों पे तिरछा पड़ती है, ठीक है। तो विषुवत रेखा पे सूर्य किरणें सीधी आती है, यहाँ पे कैसी आती है? सीधी आती है। और ध्रुव जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो ध्रुवों पे कैसे आती है? तिरछी आती है, तिरछी आती है, इस पर भी कैसी जाएगी? तिरछी जाएगी, ठीक है। नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे सूर्य के जो किरणें हैं, सूरज की लाइट है, वो कैसे जाएगी? तिरछी जाएगी। तो तिरछी जाएगी तो यहाँ पे विषुवत रेखा के कंपेयर में यहाँ पे क्या कम लाइट पहुँचती है, ठीक है। अब सीधी जाएगी तो विषुवत रेखा में यहाँ पे जो ज़्यादा गर्मी होगा, ऑफकोर्स ही बात है, तो विषुवत रेखा पे यहाँ पे
जो तापमान क्या होता है, ताप क्या होगा, अधिक होगा, ताप क्या होगा, अधिक होगा विषुवत रेखा पे। अब बात करते हैं ध्रुव पे, आपका उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुव पे यहाँ पे ताप क्या होता है, ताप कम होता है, यहाँ पे ताप क्या होगा, कम होता है, ठीक है, ये सिंबल है कम होने का या बढ़ने का। तो ताप यहाँ पे अधिक होती है और यहाँ पे कम होती है। अगर ताप अधिक है तो यहाँ पे क्या होगा, गर्म, ठीक है, और ताप कम है तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी ठंडा, ठीक है। यही कारण है कि विषुवत रेखा पे जो जल होती है, समुद्र की जल होती है, वो क्या होती है, गर्म होती है, और ध्रुव पे ठंडा होती है, ताप कम तो ये ठंडा, ठीक है। आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि विषुवत रेखा पे जल जो होती है गर्म क्यों होती है। तो चूंकि सनलाइट जो होती है वो डायरेक्ट यहाँ पे हीट करती है, डायरेक्ट पहुँचती है, बट ध्रुवों पे कैसे आती है, ध्रुवों पे तिरछी लाइट आती है, जिस कारण से यहाँ पे इसके कंपेयर में यहाँ पे ठंडा होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो जलधारा जाएगी, यहाँ से जो जलधारा जाएगी, यहाँ से विषुवत रेखा से, यहाँ से जलधारा इधर जाएगी, वो कैसे जाएगी, ये गर्म जलधारा, गर्म जलधारा, ठीक है। जो विषुवत रेखा से उधर जाएगी, ये उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है, नहीं उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो जो विषुवत रेखा से जो जलधारा जो जाएंगी उत्तरी ध्रुव तरफ, वो कैसे जाएगी, गर्म, और इधर से जो इधर आएगी ये भी क्या होगा, गर्म, ये भी क्या होगा, गर्म जलधारा होगी। बट बात करें ध्रुव तरफ से, इधर से जो जलधारा जाएगी इधर, वो कैसा होगा, ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा, और इधर से जो जलधारा इधर आएगा वो कैसा होगा, ये भी ठंडी जलधारा, ये भी ठंडी जलधारा होगी, ठीक है। आप समझ लिए होंगे कि जल की जो जलधारा की प्रवृत्ति होती है दो प्रकार की, ठंड और गर्म, इसी से होता है गर्म जलधारा और ठंडा जलधारा। तो गर्म होने और ठंडा होने का यही रीज़न है, ठीक है। अब समझने कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं जलधारा तो देख लिए, ठीक है, दो इसकी प्रवृत्ति होती है ठंडा और गर्म, कैसी होती है वो भी देख लिए हम लोग। अब देखते हैं कि जलधारा की उत्पत्ति कैसे होती है, जलधारा की उत्पत्ति कैसे होती है, उत्पत्ति के कारण, जलधारा उत्पत्ति के कारण, जलधारा उत्पत्ति के कारण, ठीक है, जलधारा उत्पत्ति के कारण कौन कौन से कारण है, ठीक है, हम लोग देखते हैं कौन कौन से कारण इसके हैं। इसका पहला जो कारण है, पहला कारण है पृथ्वी का घूर्णन गति, पृथ्वी का घूर्णन, पहला इसका जो रीजन है पृथ्वी का घूर्णन। दूसरा जो है इसका तापमान, तापमान। तीसरा वर्षा, तीसरा वर्षा। चौथा गुरुत्व, ग्रेविटेशंस। पांचवा बर्फ का पिघलना, और सिक्स नंबर पे आएगा आपका वायुदाब। जलधारा की उत्पत्ति के जो कारण है वो छह कारण है, जलधारा के उत्पत्ति के जो कारण है वो छह कारण है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पृथ्वी का घूर्णन, तापमान, वर्षा, गुरुत्वाकर्षण, बर्फ का पिघलना और वायुदाब, ये जो छह कारण है इन्हीं कारण से जलधारा, महासागरीय जलधारा का उत्पत्ति होता है। और इसके बारे में हम लोग डिटेल एक एक करके देखेंगे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पृथ्वी का घूर्णन। तो पृथ्वी का घूर्णन मतलब कहने मतलब है, ठीक है, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर चक्कर लगाना, ठीक है। घूर्णन मतलब होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना, अपने अक्ष पे चक्कर लगाना, घूमना। तो ये जो पृथ्वी का अपने अक्ष पे जो चक्कर लगाती है, अपने अक्ष पे चक्कर लगाती है, वो अप्रॉक्स एक घूर्णन इसका जो होता है, एक घूर्णन होता है वो लगभग 24 आवर होता है। कितना होता है? 24 आवर होता है, 24 घंटे होते हैं, ठीक है। अब देखिए कंसेप्ट समझिए कि पृथ्वी पे जो पृथ्वी है, यहाँ समझिए, ए पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के ए है आपका इक्वेटर 0 डिग्री, ए आपका नॉर्थ पोल, ए आपका साउथ पोल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ का ए जो जल नहीं, ठीक है, आप देखते हैं पृथ्वी का जो घूर्णन हो रहा है, पृथ्वी का जो घूर्णन हो रहा है वो क्या होता है, ध्रुवों पे कम होता है, ध्रुवों पे घूर्णन की गति का वेग कम होता है। यहाँ देखिए ये ध्रुव है, ध्रुवों पर गति का वेग कम होता है, अर्थात ध्रुवों पे गति का वेग कम होता है पृथ्वी का, ठीक है, किसका, पृथ्वी का ध्रुवों पे गति का वेग क्या होता है, कम होता है, मतलब जल का प्रवाह होगा कम होगा, अर्थात जल का प्रवाह कम होगा। समझ गए, कहने का मतलब ये है कि ध्रुवों पर ये जो ध्रुव है, ठीक है, ये ध्रुव है, तो ध्रुव पे जो क्या होगा, ध्रुव पे क्या होगा इसकी जो वेग है, वेग क्या है कम है। अगर वेग कम है तो जल का जो प्रवाह होगा वो भी कम होगा, जल का प्रवाह। आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी की बात कर रहे हैं, पृथ्वी के जो ध्रुव पे होता है उसका घूर्णन का जो गति का वेग होता है कम होता है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पोल में क्या होगा, इसका गति का वेग कम होगा, मतलब वहाँ का जल जो होगा वो घूर्णन प्रवाह, जल का प्रवाह कम होगा। अब बात करते हैं विषुवत रेखा पे, इक्वेटर पे, विषुवत पे। तो विषुवत उत पे क्या होता है, यहाँ पे गति का वेग अधिक है, यहाँ पे वेग क्या है, अधिक है। अगर वेग अधिक है तो यहाँ पे जल का प्रवाह क्या होगा, अधिक होगा, जल का प्रवाह अधिक होगा, ठीक है। विषुवत रेखा पे क्या है, वेग घूर्णन गति का वेग अधिक है तो यहाँ पे जल का प्रवाह अधिक होगा, और ध्रुवों पे कम है तो उसका जल का प्रवाह कम हो गया, ठीक है। समझने को दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहां समझिए, ए पृथ्वी है, ए इक्वेटर 0 डिग्री है,
ये आपका नॉर्थ पोल और आपका ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब देखिए ये हमारा एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी का जो घूर्णन है कैसा है, पृथ्वी का जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व है, पश्चिम से पूर्व है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व है, यहाँ ध्यान देंगे कैसा है, पश्चिम से पूर्व है पृथ्वी का जो घूर्णन है कैसा, पश्चिम से पूर्व है। अब यहाँ देखिए, अभी हम बताए थे आप लोगों को कि ध्रुवों पे, ध्रुवों पे घूर्णन गति का वेग होता है वो कम होता है, यहाँ पे वेग क्या होगा, वेग यहाँ पे कम होगा, यहाँ भी वेग क्या होगा, कम होगा। अगर वेग कम है तो यहाँ का जो जल का प्रवाह, प्रवाह है वो भी क्या होगा, कम होगा, यहाँ भी प्रवाह क्या होगा, प्रवाह कम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा पे, यहाँ पे विषुवत रेखा में जल का जो प्रवाह होगा अधिक होगा, क्योंकि यहाँ का गति का वेग होता है, वेग अधिक होगा तो प्रवाह क्या होगा, ये भी अधिक होगा, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, ए इक्वेटर हो गया और 23.5 डिग्री हम मान लेते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा और ये नॉर्थ पोल, एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे पी, ए पॉइंट क्यू और पॉइंट आर, तीन है पी क्यू आर। अब इसका लोकेशन की बात करें तो इसमें देंगे इसको एक्स वन एक्स टू और यहाँ पे एक्स थ्री। गति के वेग की बात करेंगे हम, गति का वेग का बात करें तो सबसे अधिक गति का वेग सबसे अधिक जो होगा कौन सा होगा, एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू ग्रेटर देन एक्स थ्री, ये इक्वेशन बनेगा, ठीक है, एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू, एक्स टू ग्रेटर देन एक्स थ्री, ये हमारा होगा, ठीक है। ये गति का वेग भी यही होगा और जल का प्रवाह भी होगा, यही होगा, यहाँ पे जल का प्रवाह अधिक होगा, इसके बाद यहाँ होगा और सबसे कम ध्रुव पे होगा। ऐसे ही अगर नीचे आएंगे तो ऐसे भी होगा, यहाँ पे अधिक होगा, यहाँ कम होगा और यहाँ सबसे कम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम बताए थे कि पृथ्वी का जो घूर्णन हो रहा है कैसे हो रहा है, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व पृथ्वी जो घूम रही है, पश्चिम से पूर्व घूम रही है, पश्चिम से पूर्व। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे जल का पर्व, यहाँ पे जल है इस एरिया में, यहाँ पे पानी है, ठीक है, विषुवत रेखा है, 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर है, और यहाँ पे क्या है, जल है, पानी है, ठीक है। तो विषुवत रेखा पे यहाँ पे जो जल का प्रवाह होगा, जल का जो प्रवाह होगा कैसे होगा, तो जस्ट पृथ्वी के घूर्णन के अपोजिट होगा ये जल का प्रवाह, इसका जल प्रवाह, जल प्रवाह जो होगा वो कैसा होगा, अगर पृथ्वी घूर्णन पश्चिम से पूर्व है तो ये उसका जल का प्रवाह हो जाएगा पूर्व से पश्चिम, ठीक है। आप समझ होंगे कि जल का जो प्रवाह होगा इधर ना होकर
इधर होगा, ठीक है, जल का प्रवाह इधर से इधर हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। यहाँ सिंपल समझिए कि पृथ्वी का घूर्णन जो रहा है पश्चिम से पूरब हो रहा है, पृथ्वी का घूर्णन जो रहा है पश्चिम से पूरब हो रहा है, तो जो विषुवत रेखीय जो जल है, जो जलधारा है, ये इसकी जो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। कैसा होगा कि अगर पश्चिम से पूरब हो रहा है तो ये हमारा ये हो जाएगा पूरब से पश्चिम हो जाएगा। इसलिए कोई भी जलधारा आती है विषुवत रेखा पे तो आप देखेंगे ऐसी होती है, ऐसे ही इसकी डायरेक्शन होती है, पूरब से पश्चिम होती है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो जलधारा जो होती है पश्चिम, पूरब से पश्चिम जो होती है विषुवत रेखीय क्षेत्र में होती है, केवल किस में होती है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में। ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है, इस विषुवत रेखीय क्षेत्र में जल का जो प्रवाह होता है, जलधारा जो होती है पूरब से पश्चिम होती है। कैसा है, विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय क्षेत्र, ठीक है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में जल का प्रवाह जो होगा वो कैसे होगा, पूरब से पश्चिम होगा, पूरब से पश्चिम। ओके, आज की क्लास के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे, और कल में हम लोग देखेंगे तापमान, कल में हम लोग देखेंगे तापमान और वर्षा, फिर नेक्स्ट क्लास में गुरुत्वाकर्षण, बर्फ का पिघलना और वायु दाब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सब देखेंगे, आज के लिए बस इतना ही।